ये जो दोनों का कोलैबोरेशन है शाहरुख खान एंड राजकुमार, हाउ डू लुक एट इट? सर डेफिनेटली एक ड्रीम कम ट्रू कोलैबोरेशन है, बिकॉज जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उसके बाद जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी डंकी, तो शाहरुख खान की हमें पता था कि तीन फिल्में आने वाली है, पठान, जवान और डंकी। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डंकी पे था। आपने राजकुमार ईरानी के, अभिजात जोशी के, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, क्या आपको लगता है कि वो गिफ्टेड ज्यादा हैं कि मेहनती ज्यादा हैं? और राजकुमार हिरानी के लिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ही नोज ऑडियंस द बेस्ट। उन्हें पता है, उन्हें पता है, एक मदारी होता है ना, उन्हें पता है कि ऑडियंस को कब किस चीज पे उन्हें हंसाना है, कहाँ रुलाना है। आपको लगता है कि जो ओवरसीज जो मार्केट है उसमें कुछ नए हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बन चुके हैं बाय द ईयर एंड्स विद जवान एंड डंकी? इवन बिफोर पठान, शाहरुख खान वॉज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ओवरसीज। जिस तरह की उन्होंने उनकी फिल्म ने, इवन एवरेज फिल्म लाइक दिलवाले, जिस तरह से उन्होंने वहां पे बिजनेस किया है, तो पठान ने आई थिंक ये बस एक प्रूव कर दी ये बात कि हाँ, ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग देयर। दिलवाले का जो ओवरसीज का बिजनेस है, अगर उतना बिजनेस बाकी फिल्म का हो जाए तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाएंगे। डंकी ना, यू नो, आपने एटली की बात करी और भैया भी टॉकिंग अबाउट राजकुमार हिरानी, मेरे और आपके बहुत डिस्कशन हुए हैं कि शाहरुख को मुन्ना भाई करनी चाहिए थी, शाहरुख को 3 इडियट्स करनी चाहिए थी। 3 इडियट्स जब बन रही थी तो शाहरुख और राजकुमार हिरानी ने साथ में इवेंट्स भी करे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फोरगॉन कंक्लूजन दैट शाहरुख विल बी पार्ट ऑफ 3 इडियट्स। नाउ डंकी इज हैपनिंग। ये जो दोनों का कोलेबोरेशन है शाहरुख खान एंड राजकुमार, हाउ डू लुक एट इट? सर डेफिनेटली एक ड्रीम कम ट्रू कोलैबोरेशन है, बिकॉज जब पैंडेमिक शुरू हुआ था उसके बाद जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी डंकी, तो शाहरुख खान की हमें पता था कि तीन फिल्में आने वाली है, पठान, जवान और डंकी। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डंकी पे था कि पठान, जवान चले या ना चले, लेकिन डंकी चल जाएगी, बिकॉज राजकुमार हिरानी नोज हिज क्राफ्ट। मतलब ही इज अ सुपरस्टार इन हिज ओन राइट। वो शायद, पता नहीं, ही आई थिंक अगर बॉलीवुड में कोई गिफ्टेड पर्सनलिटी है तो वो राजकुमार हिरानी है। आई नेवर थॉट कि मैं संजय दत्त के लिए कभी इमोशनल हो जाऊंगा या रोऊंगा, बट ही मेड मी डू दैट इन संजू। तो जिस तरह से वो सीन्स लिखते हैं, उसे डायरेक्ट करते हैं, आई थिंक बहुत जबरदस्त। और डंकी की अगर मैं बात करूँ, डंकी के इनसाइड रिपोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो ये इनसाइडर वहां पे कुछ चीजें लीक करते हैं कि ये शूट हुआ आज, वो शूट हुआ, तो डंकी की इनसाइड रिपोर्ट बहुत अच्छी है कि फिल्म बहुत अच्छी शेप हो रही है। तो दैट डेफिनेटली मेक्स इट रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। और अच्छा रहेगा देखने के लिए कि तापसी भी फिल्म में है, आई थिंक विकी कौशल भी एक कैमियो रोल में उसमें है। तो एंड जिस तरह का एक शाहरुख और राजकुमार हिरानी को लेके एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि लोग कब साथ में आएंगे, तो अभी आज आ गए हैं, तो आई थिंक कुछ अच्छा ही करेंगे, बहुत अच्छा ही करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। आपने राजकुमार ईरानी के, अभिजात जोशी के, आपने बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, क्या आपको लगता है कि वो गिफ्टेड ज्यादा हैं कि मेहनती ज्यादा हैं? सर मेहनती तो हर कोई होता है, गिफ्टेड इन द सेंस मुझे लगता है उन्हें बहुत जिस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं एक उनके एनालॉजी एक कबीर खान के साथ रखना चाहूंगा। जिस तरह से बजरंगी भाईजान के कुछ सीन है, स्पेशली हर्षली मुन्नी को लेके, जिस तरह से वो कबीर खान ने वो डायरेक्ट किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कबीर खान खुद एक कितने इमोशनल इंसान होंगे, कि उन्होंने इतना जबरदस्त उसको लिखा है, उन्हें पता है कि यहाँ पे ऑडियंस रो ही सकती है। 83 में भी सेम दो तीन सीन्स तो ऐसे मुझे लगा कि यार कबीर खान खुद कितने इमोशनल बंदे होंगे, कितने पैशनेट बंदे होंगे, जो उन्होंने ऐसा सीन लिखा, ऐसा सीन उन्होंने डायरेक्ट किया। और राजकुमार हिरानी के लिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि ही नोज ऑडियंस द बेस्ट। उन्हें पता है, उन्हें पता है, एक मदारी होता है ना, उन्हें पता है कि ऑडियंस को कब किस चीज पे उन्हें हंसाना है, कहाँ रुलाना है। बिकॉज ये सबसे डिफिकल्ट टास्क मुझे फिल्म मेकिंग में लगता है, कि आप ऑडियंस को हंसा रहे हो और उसमें वो रो भी रहे, और आपने ऑडियंस को रुलाया और उसके बाद अभी हंसा भी रहे, तो ये जो करना, आई थिंक इसके लिए आपको गिफ्टेड ही होना पड़ेगा। मेहनती तो हर कोई डायरेक्टर होता है, बट आई थिंक राजकुमार हिरानी हैज समथिंग इन हिम, वो कुछ अलग ही बंदा है। मैं तो उन्हें, जब भी उनका जिक्र होता है, मैं उन्हें डायरेक्टर बोलते नहीं, आई विल ऑलवेज कॉल हिम मैजिशियन। मेरे लिए वो जादूगरी है। डेफिनेटली इज अ मैजिशियन। ज्यादा मेहनती की जैसे जैसे बात है, यू नो, तो उनके उनके बेसिकली जब भी बात हुई है उनसे तो उनका ये बताना होता है कि वो जब तक सीन क्रैक नहीं हो जाता है तो वो लोग सोते नहीं है, रात में 4 बजे निकल जाएंगे यूएस में कहीं पर जो भी है वो, और अभिजात जोशी, और जब तक सीन क्रैक नहीं हो जाएगा तब तक वो
कमरे पे वापस नहीं आएंगे, और जब तक लिख नहीं देंगे वो वापस नहीं आएंगे। मुन्ने मुन्ना भाई चले अमेरिका, शेल्फ कर दी उन्होंने बिकॉज दे कुड नॉट गो बियॉन्ड द इंटरवल मे बी, एंड दे वर नॉट हैप्पी विद इट। सो आई थिंक वो मेहनती के जो एलिमेंट है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एंड री राइटिंग एंड राइटिंग सो मच कि दैट जब तक वो पूरे तरीके से श्योर नहीं होते और हर सीन हर डायलॉग जो है वो उनको खुद क्रैक नहीं कर दे और उनकी कोर टीम को क्रैक नहीं कर दे, तो दे डोंट ओके दैट। सो मेहनती से मेरा मेरी मुराद बेसिकली वो थी। बहुत बार लोग हैं थोड़ा सा शायद ओके नाउ अगर हम बात करें डंकी की, आपने जिस तरीके से बताया, अब जैसे ओवरसीज मार्केट की मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो पठान ने जो ओवरसीज मार्केट में किया है वो कभी हुआ नहीं, चाइना में हुआ है, लेकिन ये है कि इतने इतने दुनिया भर में इतने अलग अलग मुल्कों में होना, वो एक बहुत ही आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट था। जैसे कि यूके में 4 मिलियन पाउंड होना, गल्फ में यस 4 मिलियन, यस नॉर्थ अमेरिका में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इट इज ट्रूली फिनोमिनल। आप कैसे देखते हैं जवान को और डंकी को, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा? बिकॉज यू नो नाउ नाउ देर आर न्यू मार्केट्स दैट हैव बीन क्रिएटेड, देर देर इज अ न्यू ऑडियंस फॉर हिम। मेरी बात हुई है मेक्सिको में उनके फैंस है जो कि मेक्सिकन है, देर नॉट इवन एशियंस फॉर एग्जाम्पल, ऐसी जगहों पर जिनके नाम भी नहीं सुने हमने मेक्सिको में, एंड एंड पीपल हैव वॉच थिएटर वॉच द मूवी ओवर देयर, और फिल्म हाउसफुल गई है वहां। फ्रांस में लोगों ने हाँ देखा बहुत, मतलब खैर आपको तो पता ही है इसके बारे में। ये आपको करेक्ट लगता है कि जो ओवरसीज जो मार्केट है उसमें कुछ नए हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बन चुके हैं बाय द ईयर एंड्स विद जवान एंड डंकी? सर, डेफिनेटली बिकॉज इवन बिफोर पठान, शाहरुख खान वाज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ओवरसीज। जिस तरह की उन्होंने उनकी फिल्म ने, इवन एवरेज फिल्म लाइक दिलवाले, जिस तरह से उन्होंने वहां पे बिजनेस किया है, तो पठान ने आई थिंक ये बस एक प्रूव कर दी ये बात कि हाँ, ही इज द अनडिस्प्यूटेड किंग देयर। और मुझे जवान और पठान से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है डंकी से। मुझे लगता है डंकी इससे कई ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगी ओवरसीज में, बिकॉज हाँ, राजकुमार हिरानी फैक्टर, एंड वहां पे वैसी फिल्म देखने वाली ऑडियंस है डेफिनेटली। या डेफिनेटली आपने दिलवाले का आपने जिक्र किया, हैरत वाली बात है कि गल्फ में 5th नंबर पे है ऑल टाइम बिगेस्ट बिगेस्ट इट्स ट्रूली बैफलिंग। लोगों की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो जो हिट हो जाती हैं तो उतना नहीं बिजनेस कर पाती जितना कि शाहरुख खान की सो कॉल्ड फिल्म्स दैट हैव नॉट इनफैक्ट वर्क। दिलवाले का जो ओवरसीज का बिजनेस है, अगर उतना बिजनेस बाकी फिल्म का हो जाए तो वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाएंगे। एग्जैक्टली दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल राइट सो आविष्कार, फाइनली अगर आप मुझे बताएं और कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जिनसे जिनसे आपको उम्मीद है जो कि अच्छा कर सकती हैं, दे कैन रियली डू वेल दिस ईयर। सर अभी नेक्स्ट तो मुझे लग रहा है एक भोला से मैं थोड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। जिस तरह की मासी ट्रेलर उन्होंने रिलीज किया है, तो ऑफ कोर्स वो एक फिल्म मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम रिकॉर्ड तोड़, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा तो मुझे बस जवान और टाइगर 3 से अभी उम्मीद है। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है वो भोला लगती है। उसके बाद एक फिल्म जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, वो है एक सत्य प्रेम की कथा, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म है। उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, समीर विद्वांस। उन्होंने मराठी में बहुत अच्छी फिल्में दी है। मतलब उनकी एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो आप कहेंगे कि ये एवरेज है या बिलो एवरेज है। उन्होंने अच्छी फिल्में दी है, म्यूजिकल लव स्टोरी है, तो वो मुझे उससे थोड़ी उम्मीद है। देन आई थिंक करण जौहर की फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दैट कैन वर्क। एंड एज फार एज दिस रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस इज कंसर्न, आई थिंक एनिमल कैन डू दैट वंडर। रणबीर कपूर फिल्म, रणबीर कपूर एंड रश्मिका इज देयर, एंड इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पे आ रही है, तो वो एक रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती कमाई अच्छे खासा। व्हाट अबाउट बड़े मियाँ छोटे मियाँ? बड़े में छोटे में असर उसका, जिस तरह से अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ उसके रिगार्डिंग, तो उस पर कुछ भी बात करना थोड़ा कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगी। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम उसका पोस्टर अभी तक कुछ नहीं पता है, उसका टॉपिक क्या है, वो एक्शंस है इतना पता है, एक्शन स्पेक्टेकल होगी। पृथ्वीराज का कैमियो उसमें एक निगेटिव रोल में शायद, वो पता है। तो आई थिंक ऑफकोर्स वो प्रॉमिसिंग फिल्म तो लग रही है, बिकॉज टाइगर और अक्षय को साथ में देखना जबरदस्त होगा। और उसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि अली अब्बास जफर डायरेक्टर है और उन्हें पता है वो क्या करते हैं, तो डेफिनेटली मैं उससे उससे रिलेटेड थोड़ा एक्साइटेड हूँ। बट मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसकी फाइनल रिलीज डेट है क्या। इज इट रियली क्लैशिंग विद डंकी और आर दे प्लानिंग टू शिफ्ट द रिलीज डेट, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तो वो देखना चाहूंगा, अगर डंकी के साथ क्लैश होती है तो सारे बिजनेस प्रोस्पेक्ट ही चेंज हो जाएंगे।